नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप से संबंधित फ्यूचर कंज्यूमर की। जी हाँ, 5 अक्टूबर का अपडेट है, बीएससी और एनएससी दोनों को इंटीमेट किया है इन्होंने, और जो लेटेस्ट डिफॉल्ट का डिस्क्लोजर है वो यहाँ पर इंटीमेट किया है। जो भी इन्होंने, चाहे वो पेमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ हों, है ना, तो जो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है उसको यहाँ पर फिलहाल बताया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या कंपनी धीरे धीरे इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम लोग चार्ट देखेंगे कि क्या संभावनाएं बनती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, नहीं मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को डुबा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है, है ना, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, यानी कि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट, वो है लगभग 266.80 करोड़। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू करोड़ में आप देख पा रहे हैं, और ये स्टार लगा हुआ है स्टार में, यहाँ पर देखिए स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, सबका मतलब लिखा हुआ है। इंक्लूड टर्म लोन आउटस्टैंडिंग ₹15 करोड़, यानी कि इसमें 15 करोड़ का जो टर्म लोन है वो भी जुड़ा हुआ है। बी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ऑफ द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एज ऑन डेट, यानी कि जो डिफॉल्टेड अमाउंट है वो यहाँ पर है 253.95 करोड़ का इन्होंने डिफॉल्ट किया है, और ये 30 सितंबर तक का मामला है। आप यहाँ पर डेट भी देख पा रहे हैं क्लियर कट। और यहाँ पर जो टू स्टार है उसका क्या मतलब है, इंक्लूड बोथ बैंक रिपेमेंट, यानी कि जो दो बैंक हैं उनके दोनों के रिपेमेंट है, इंटरेस्ट का डिफॉल्ट है 23 सितंबर तक का। तो यहाँ पर जो ये 253 करोड़ का फिलहाल डिफॉल्ट किया है, फिलहाल टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। यहाँ पर देखिए थ्री स्टार है, ये आपका ये वाला मामला है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर शायद ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर थ्री स्टार वाला यही है, ये एनसीडी होल्डर्स वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो 158.82 करोड़ है, और अक्रूड इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 42.49 करोड़ है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 201.32 करोड़ का डिफॉल्ट इन्होंने 30 सितंबर तक फिलहाल कर रखा है। ये माफ़ कीजिएगा, ये टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये है क्या कहते हैं वाला जो डिफॉल्ट किया है वो है टोटल 115 करोड़। तो ये फिलहाल देख पा रहे हैं, और यहाँ पर टोटल जो फाइनेंशियल इंडेबटनेस है इनकी वो है 468.12 करोड़ की। तो फिलहाल आप ये तो जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ये नहीं दे पा रहे हैं, वो तो एक बात की बात है, लेकिन इसके आवाज में कंपनी क्या कर रही है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कंपनी इज़ प्लानिंग वर्किंग फॉर एसेट मोनिटाइजेशन एंड डेट रिडक्शन ओवर द पीरियड इन दिस ईयर। और ये कंपनी काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है कि मतलब एक बार में किसी तरीके से कुछ एसेट बेच के, मोनिटाइज करा के, मतलब जो एसेट ऐसे पड़ी हुई हैं उनको किसी तरह उनसे पैसा निकाल कर, यहाँ पर कंपनी वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये हो जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तभी डेट खत्म होगा और तभी कंपनी इंसॉल्वेंसी से बच पाएगी। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री करी हुई है, ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है यूट्यूब चैनल्स हैं जो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सामने कि एकदम बैलेंस्ड जो भी एनालिसिस है और जो एक्चुअल न्यूज़ है वो आपके सामने बिना किसी भेदभाव के, मतलब एकदम निष्पक्ष तरीके से आपको आपके सामने रखूं, आपको बताऊं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1.27% ऊपर रहा है फिलहाल, पीरियोडिक कॉल ऑक्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भैया ये ESM की स्टेज 2 में है, और ये भी ESM की स्टेज 1 में आता है, फिर 2 में जाता है, फिर 1 में आता है। जैसे गोयल एल्यूमिनियम तीसरी बार आया है, ये भी 2 बार आ चुका है मेरे, मुझे जहाँ तक याद है। ओपन देखिए यहाँ पर 80 पैसे पे, हाई 80 पैसे, लो 80 पैसे, तो यहाँ पर कुल मिला के अपर सर्किट पे आपको देखने को मिला। और आपको बता दूँ कि जो ESM की स्टेज 2 होती है वहाँ पर 2-2% का प्राइस बैंड सेट रहता है, 5-5% ऊपर नीचे नहीं जाता है, 2-2% ही जाता है। लेकिन यहाँ पर शेयर को बेच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक और ऑक्शन के तहत आपको हर घंटे ऑर्डर लगाने होते हैं, फिर 45 मिनट के बाद वहाँ पर ऑर्डर मैचिंग होती है, फिर उसके बाद 15 मिनट कूलिंग पीरियड होता है। ये सब मैं खैर वीडियोज़ में बता चुका हूँ अपने फिलहाल, है ना। रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर एक वीक में आपको पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं 6.25%, और 6 महीने में 30.77% के तगड़े रिटर्न यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पीरियोडिकल ऑक्शन चल रहा है और इतना तगड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, 63 लाख का इसने वॉल्यूम जनरेट किया है आज। कल की बात करेंगे तो 55 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया है, 55 लाख शेयर्स लोग अपने घर लेके गए हैं। वहीं 1 वीक एवरेज आप 26 लाख देख पा रहे हैं, वहीं 1 मंथ का एवरेज आप देख पा रहे हैं 34 लाख। तो यहाँ पर गाइस आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे नहीं पता ESM की स्टेज में डालती क्यों है, एक्सचेंजेज हैं जो सेबी ने ये सरप्राइज लाया था 5 जून 2023 को, क्यों लेके आए थे, लाने की ज़रूरत क्या पड़ी ESM की स्टेज ये जो 2 बनाई है। पहले तो यहाँ पर मंडे ही ट्रेडिंग कर दी थी ताकि ऑपरेटर्स इससे दूर रहें,
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल, जब कोई भी शेयर ESMB स्टेज टू में है तो इसका मतलब आपको ये पहले ही समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है जिस तरह से जो एक क्राइटेरिया है इनका, जो IRP की स्टेज वन में आता है, यानी कि जिन शेयरों की इंसॉल्वेंसी चल रही है और IRP स्टेज वन में आता है, तो वहाँ पर उसमें मंडे मंडे ट्रेडिंग होती है। और वो कब आता है? जब 6 अपर सर्किट लगभग लग जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद वो फिर क्या करते हैं उसमें पीरियोडिकल ऑक्शन में IRP स्टेज वन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिला और यहाँ पर 2 अपर सर्किट अभी फिलहाल ताज़ा देखने को मिले हैं पिछले 2 दिनों में। तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर जाए, फिर वहीं नीचे आए, कंसोलिडेट करे। फिलहाल कुल मिला के आप ये रेंज जो देख पा रहे हैं, ये फिलहाल इसी रेंज में अभी फिलहाल टहलने वाला है, और इसी रेंज में ये टहलेगा ही जब तक कंपनी अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर लेती है। जब तक डेट कम नहीं होता तब तक इसके ऊपर जाने की संभावना है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 6 में से 4 कंपनी तो फ्यूचर ग्रुप की इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं। अब केवल 2 बची हैं, एक ये फ्यूचर कंज्यूमर और एक FMNL फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड। RSI की बात करेंगे तो 37.95 है, कमज़ोर है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जिन्होंने ऊपर ले रखा है गाइस, एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गाइस वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या मैं इसको ले लूँ। या भाई, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं साफ साफ मना करता हूँ, फ्यूचर बुक के किसी भी शेयर से आपको दूर रहना है, ठीक है। नए लोग बिल्कुल बच के रहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में पैसे लगाइए, या पेनी स्टॉक्स में ही जाना है तो आप कोई और पेनी स्टॉक देखिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मैं रोज़ न जाने कितने पेनी स्टॉक से एनालिसिस करता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करता हूँ, तो आप उन स्टॉक्स में पैसे लगाइए। और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखनी कि पेनी स्टॉक्स में जब पैसा लगाना है तो अपनी कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 4 से 5% पैसा पेनी स्टॉक्स में इससे ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई सेविंग एक्सपर्ट एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी नेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।